हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्निकल टूल्स चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हो आप, हमारे पास एक मल्टीमीटर है और इसकी बैटरी चली गई है। हमारी फ्लूक की है, देख सकते हो इस पे बैट लिखा हुआ और यहाँ पे एक सिंबल आ गया है कि आपकी बैटरी डेड हो गई है। तो चलिए, हम देख सकते हैं काम नहीं करेगी। चलिए, इसकी बैटरी चेंज करते करते बात करते हैं कैसे चेंज करनी है। आप देख सकते हैं हम इसका कैलिब्रेशन कराए हुए हैं। इंडस्ट्री में आप कहीं भी ऐसे कहीं जाएंगे काम करने, तो आपको कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट मांग सकता है। ऐसे दुकान पे, छोटी मोटी दुकान पे तो नहीं चाहिए होती है। सब्सक्राइब करें टेक्निकल टूल्स चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें हमारे नए वीडियो की अपडेट्स पाने के लिए। इसको स्क्रू ड्राइवर लगा लिए, तो इसको टाइट कर लें। चलिए खोलते हैं इसको। फ्रेंड्स, इसमें 9 वोल्ट की बैटरी डलती है। हाँ, तो हमारा गैस सही था, 9 वोल्ट की बैटरी अक्सर 9 वोल्ट की रहती है। तो हम नई ले लेते हैं बैटरी, और ये हमारे पास नई बैटरी है। इसमें प्लस माइनस आप नहीं भी देखेंगे चलेगा, क्योंकि अब इसमें पहले से बनी हुई है ग्रू। आपको सिर्फ इसको असेंबल करना है और फिर लगाना है। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब बैटरी 5 वोल्ट से नीचे जाती है इसकी, तो काम करना बंद कर देता है, और ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे आसानी से मिल जाती है। इसको लगा देते हैं, टाइट करते हैं, देख सकते हैं अभी जो सिम्बोलर था वो चला गया है और हमारी अभी ओके हो गया है। कुछ चेक करना है तो क्वांटिटी, ओके फ्रेंड्स। इसमें ये थोड़ी महंगी है, इसमें थोड़ी और सस्ती आती है। आप ये ले सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं, ये इससे सस्ती है और इससे भी सस्ती आती है। हर किसी को घर पे रखना चाहिए, क्योंकि आप कंटिन्यूटी चेक करते हैं, वायर की कंटिन्यूटी कहीं ख़राब हो जाती है तो आपको बुलाना पड़ता है इलेक्ट्रिशियन को। तो आप खुद ही चेक कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है वोल्टेज में और इसकी चेक करना है आपको, तो किसी और वीडियो में हम इसको पूरा समझाएंगे आपको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी बैटरी लग चुकी है, देख सकते हैं। चलिए चलिए, इसको हम अब ऑफ करते हैं और इसकी वायर को समेट देते हैं। आप जब लीड रखें तो ऐसे समेट के रखें, और उससे तरीके से राउंड से ना रखें। अब हमारी बैटरी चेंज हो चुकी है। ओके फ्रेंड्स, बाय।